सो गाइस आज का कंटेंट क्या होने वाला है, ड्यूक के ऊपर होने वाला है। तो मेरे को जो डिसएडवांटेज दो लगा ना वो चीज़ है, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और माइलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। आपका इंजन ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है जब एग्जॉस्ट लगाते ना, एग्जॉस्ट बिल्कुल मत लगाना, कुछ कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान ही नुकसान है, इंजन के ऐसे के तैसे ही हो जाते। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत देख रहे हो, मॉर्निंग के अभी 6-7 बजे से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे धूप देख सकते हो काफी ज्यादा तेज आ गई है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि गाइस ये लोकेशन आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज में, काफी अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे शोर शराबा कुछ नहीं है, बट पीछे से बैकग्राउंड से आप कोयल की आवाज, पंछियों की आवाज बहुत सुनने को मिल रही होगी। आज मैं अपनी लोकेशन पे आया, किस लिए आया वो आपको बता देता हूँ कि गाइस आज प्यारा सा कैसा कंटेंट होने वाला है, वो कंटेंट आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि डेली व्लॉग क्यों नहीं बना पा रहा, रीज़न बता देता हूँ उसका भी कि डेली व्लॉग क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। गाइस अभी मैं मॉर्निंग के टाइम पर वीडियो बनाने आता हूँ ना, तो तब भी मैं बीमार पड़ जाता हूँ हर बार। वीडियो तो तभी बना सकते हो जब आपकी तबीयत ठीक रहेगी ना, तभी आप वीडियो बना सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले अपनी तबीयत का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो। तो इसलिए यार व्लॉग नहीं आ रहे थे, सॉरी गाइस उसके लिए, बट कोशिश कर रहा हूँ जब तक मैं प्रॉपर ठीक नहीं हुआ तब तक मैं ऐसे ही कभी कभी वीडियोस आएगी। हफ्ते में 2 व्लॉग तो आएंगे, बट कोशिश कर रहा हूँ डेली बनाने की, बट धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगा उसके बाद तभी व्लॉग आते रहेंगे। सो गाइस आज का कंटेंट क्या होने वाला, ड्यूक के ऊपर होने वाला है। और ड्यूक के ऊपर तो ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूँ, बट कुछ चीज़ें छोड़ गई तो आज इसे व्लॉग में बताऊँगा। सबसे पहले डिसएडवांटेज बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि जब आप बाइक लेते हो और उसके बाद तुरंत आप 1-2 महीने के बाद एग्जॉस्ट लगाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं गाइस, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। बाइक देखो कम से कम आप जब 1 साल होता है तो उसी के बाद आप एग्जॉस्ट लगा देना, बट रेगुलर मत लगाना क्योंकि देखो इंजन की वारंटी कम हो जाती है और प्लस उसका क्या बोलते हैं माइलेज पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और इंजन भी आपका कुछ कभी कभी सीज भी हो सकता है क्योंकि बिकॉज आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराओगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अपनी आपकी बाइक पर। तो अभी मैंने सर्विस करवा रखी है तो मेरे को सर्विस वाले ने कहा कि यार 1-2 महीने के बाद ना सर्विस करवा देना इसकी। तो देखो इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है भाई एग्जॉस्ट लगाने का। तो चलो सबसे पहले बात आ जाते हैं कि एग्जॉस्ट लगा रखा है तो आपको क्या फुल सिस्टम लगाना चाहिए या फिर हाफ सिस्टम लगाना चाहिए। तो गाइज़ मैं देखो अभी मैं बताऊंगा कि क्योंकि मैंने देखो हाफ सिस्टम लगा रखा है क्योंकि जो देखो R15 बाइक होती है ना तो उसमें पता क्या गाइज़ उसमें ना फुल सिस्टम आप लगा सकते हो क्योंकि उसकी जो बैंड पाइप होती है ना वो ज़्यादा बाहर की तरफ रहती है। अब इसका एग्जॉस्ट पता है KTM का एग्जॉस्ट बीच में रहता है, यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा खाली खाली लग रहा है। सो गाइज R15 पे देखा होगा आप फुल सिस्टम तो लग जाता है बट KTM पे बहुत डिफिकल्ट होता है। गाइज आप रैप करते हो ना जब यहाँ से हवा निकलती है ना तो रैप करने के बाद ना यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब कि आप रैप करते हो तो उसको थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ एग्जॉस्ट खींच सकता है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से फिटिंग कराया तो देख सकते हो आप ना, आपने देखो एग्जॉस्ट लगाना है कुछ टाइम के लिए तो हाफ सिस्टम बेटर है, आपने परमानेंट लगाना तो फुल सिस्टम आपकी मर्जी है। तो वही चीज़ है गाइस कि मैंने हाफ सिस्टम लगा रहा है, मैंने कुछ टाइम के बाद निकाल दूंगा इसको। डिसएडवांटेज ये बताऊंगा गाइस कि अभी माइलेज मेरे को जो करंट सिटी में दे रही है वो 2018 की एवरेज दे रही है तो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज वाली बात है क्योंकि देखो गाइज हाँ मैंने देखो पर्सनली बताओ ना जब मैंने पूरी टंकी खाली करी थी ना तो उस टाइम पे मेरे को जो एवरेज मैंने करंट करा था ना तो वो 18 के 20 की एवरेज दे रही थी सिटी में और लॉन्ग राइड पे देखो काफ़ी अच्छा माइलेज दे रही है। तो लॉन्ग राइड के लिए मैं कम से कम 25 की एवरेज दे रही है तो एक तरफ से डिसएडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जब देखो मैंने एग्जॉस्ट नहीं लगा रखा था तो तब मेरे को करंट एवरेज दे रही थी 37-38 की दे रही थी लॉन्ग राइड पर। तो ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज लगा मेरे को, एग्जॉस्ट बिल्कुल मत लगाना, कुछ टाइम के बाद लगा देना बट उसके बाद निकाल देना, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान ही नुकसान है, इंजन के ऐसे की तैसी हो जाती है। प्लस सेकंड डिसएडवांटेज आपका इंजन ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है जब एग्जॉस्ट लगाते ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, प्लस क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल से आप जैसे लॉन्ग राइट मारोगे ना तो बहुत ज़्यादा इंजन गर्म हो जाएगा, प्लस क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट भी इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, गलती से आपने पैर रखा ना तो भाई जल जाएगा, आमलेट की तरह हो जाएगा आपका पैर। तो मेरे को जो डिसएडवांटेज दो लगा ना वो चीज़ है, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और माइलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। बाकी टॉप एंड स्पीड तो वही है 135 क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी स्टार्टिंग में व्हील कवर कुछ नहीं था तब भी इतनी 135 भाग रही थी कि यहाँ से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है। कई लोग कहते हैं कि यार यहाँ से मेरी आवाज़ आती है तो हैंडल बार से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है मेरी, तो एक यहाँ से भी आती है डिस से। साउंड सुना देता हूँ कि कैसे साउंड आती है इसके, पता है बहुत ज़्यादा कान मेरे दर्द होने लग जाते हैं। ये चेक करो आप कि साउंड देखो
ज्यादा देर तक बाइक चलाते ना और ओवर हीटिंग होती है, उसके बाद ना साउंड कम हो जाती है। गाइस मुझे कमेंट में बता देना कि आपकी बाइक में भी हुआ ये सीन। तो बाकी गाइस यही वीडियो थी, डिसएडवांटेज काफ़ी ये था एग्जॉस्ट लगाने का, माइलेज काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया और प्लस टॉप एंड स्पीड तो वैसे की वैसी है, पावर थोड़ी बहुत बढ़ गई है, बट एग्जॉस्ट लगाने के बाद ना इस सिंगल सिलेंडर पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर पर ना आवाज़ इतनी परफेक्ट नहीं आती है। संडे राइड को गया हुआ था, सुपर बाइक की साउंड के सामने भी भाई ऐसा आवाज़ कर रही थी, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी बाइक की साउंड आ रही है या फिर सुपर बाइक की साउंड आ रही है, इतना ज़्यादा लाउड है भाई, कसम से बहुत ज़्यादा लाउड है भाई। मेरे दोस्त लोग डर रहे थे कि भाई कहीं पुलिस वाले ना तेरी बाइक सीज कर दे, तो इसलिए यार डर रहता है हर किसी को। बट डीवी क्लियर है ऑलरेडी मेरे पास, जहाँ पे पुलिस दिखती है वहाँ पे मैं डीवी क्लियर लगा देता हूँ। और बाकी अपनी बाइक के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बहुत कुछ, तो बाकी आप मुझे कमेंट में बता देना कि गाइस से क्या चीज़ छूट गई, तो ज़रूर एक बार कमेंट कर देना। तो बाकी गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आते रहेंगे आप लोगों के लिए। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सेफ राइड गाइस।